Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very important topic in your research work or the paper of research methodology, that is conducting literature review, or how do you conduct review of related literature, or how must you conduct review literature review of related literature, you can say anything. तो ये भी लेक्चर आप समझ सकते हैं कि पिछले दो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है. पहले हमने क्या किया कि रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, हमने डिफाइन किया रिसर्च प्रॉब्लम को, हमने ये सीखा रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे चुनेंगे, कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या हमको ध्यान देना है उसमें. फिर हमने देखा कि हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एक लिटरेचर रिव्यू हम करेंगे उसका. लिटरेचर रिव्यू पहले भी आ सकता था, हाइपोथेसिस के पहले ही, बल्कि इसको मुझे बनाना चाहिए, आप इसको इस क्रम में पढ़िएगा कि डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फिर कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू एंड देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. फिर लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, कितने गैप्स हैं, क्या चीज़ है जिस पर बात नहीं हुई है, आपकी रिसर्च किसको एड्रेस करने जा रही है, और ये सारी बातें. तो हम यही सीखेंगे, इसमें जानेंगे कि लिटरेचर रिव्यू की क्या महत्ता है आपकी रिसर्च वर्क में, और कैसे करना चाहिए, क्या इसकी खासियत है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, है ना. तो शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रिसर्च वर्क का. जब भी आप रिसर्च शुरू करते हैं तो आपका गाइड आपसे कहता है कि लिटरेचर रिव्यू कीजिए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए. मतलब कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस पर जो काम पहले हो चुका है उसको पढ़िए, उस एंगल से पढ़िए, कई एंगल से पढ़िए, मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखिए, अपनी दृष्टि पुनरावलोकन कीजिए, है ना. शाब्दिक अर्थ तो रिव्यू मतलब पुनः देखना, पुनरावलोकन उस लिटरेचर का जो आपके रिसर्च वर्क से संबंधित काम जिस पर हो चुका है. तो अ लिटरेचर रिव्यू इज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ रिसर्च राइटिंग दैट सर्व्स एज ए स्टार्टिंग पॉइंट बाय एस्टैब्लिशिंग ए फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द करेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन ए स्पेसिफिक फील्ड. क्या मतलब है कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपके रिसर्च राइटिंग का एक फंडामेंटल एलिमेंट है, खास तत्व है, मूलभूत तत्व है, जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि जो आपका स्पेसिफिक फील्ड नॉलेज का जो भी है, जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है, क्या चल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के फाउंडेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमको लिटरेचर रिव्यू से मिलता है. फिंक ने कहा, अकॉर्डिंग टू फिंक, अ रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इज ए सिस्टमैटिक एक्सप्लिसिट एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग, इवेलुएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ कंप्लीटेड एंड रिकॉर्डेड वर्क प्रोड्यूस्ड बाई रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स. यानी कि जो काम अनुसंधानकर्ताओं ने, आपके स्कॉलर्स ने, प्रैक्टिशनर्स ने कर दिया है, रिकॉर्ड करके रख दिया है, जिस भी डिसिप्लिन में एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसका, उसी को हमको आइडेंटिफाई करना है, उसी को हमको इवेलुएट करना है और सिंथेसाइज करना है, और यही लिटरेचर रिव्यू है. और इस तरह से ये एक सिस्टमैटिक, एक्सप्लिसिट और रिप्रोड्यूसिबल तरीका है. फिर पर्पस क्या है, बहुत सारे पर्पस अभी आपको आगे मिलेंगे जानने के. फिर भी द पर्पस ऑफ ए रिव्यू इज टू क्रिटिकली एनालाइज अ सेगमेंट ऑफ ए पब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. यानी कि आप जिस भी फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हैं उस जो भी वो लेवल है डिसिप्लिन का, उसमें जो पब्लिश्ड बॉडी, मतलब कि हमने अपना काम किया और हमने पब्लिश नहीं किया तो आप उसका रिव्यू नहीं कर सकते ना, पब्लिश होना ज़रूरी है. इसीलिए कहा जाता है कि डिसेमिनेशन ऑफ द रिसर्च वर्क इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जो भी नॉलेज पब्लिश्ड हो चुकी है उस सेगमेंट को हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है. जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और पीएचडी में भी, और एमएड डिसर्टेशन और एमए डिसर्टेशन में तो करते ही हैं, क्या करते हैं कि उनसे कहा गया कि ये उनका रिसर्च वर्क है, या उनको पता है ये उनका रिसर्च वर्क है, तो उससे रिलेटेड वो 10-20-30 आर्टिकल पढ़ के लिख लेते हैं कि इस अनुसंधानकर्ता ने ये पाया, इन्होंने ये पाया, इन्होंने ये पाया, इन्होंने ये पाया, बस. मतलब इन्होंने ये रिसर्च किया, ये मेथोडोलॉजी यूज़ की, ये पाया, ये रिसर्च की, ये मेथोडोलॉजी यूज़ की, ये पाया, दैट्स इट. तो ये क्या है, ये तो एक कंपाइलेशन है ना. कंपाइलेशन नहीं करना है हमको, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इस जो भी आपका प्रीवियस रिसर्चर है उसने किन परिस्थितियों में, किन वेरिएबल्स के संग क्यों ये मेथोडोलॉजी यूज़ की, क्या निकाला, क्या नहीं निकाला, क्या उससे रह गया निकालने को. मतलब हर एंगल से आपको उसको देखना है. तो आपको उसमें समरी भी करनी है,
फिर आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि अच्छा इतने लोगों ने इस तरीके से काम किया, इतने लोगों ने इसी वेरिएबल पे इसी तरीके से निकाला, लेकिन ये मेथडोलॉजी लगाई इन्होंने, ये पूरा क्लासिफिकेशन करना है आपको। फिर कंपैरिजन करना है प्रायर रिसर्च स्टडीज़, जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो पूर्व अनुसंधान कार्य हो चुके हैं उनकी तुलना कीजिए कि इन्होंने ये पाया ऐसे इन्होंने ये छोड़ दिया, इन्होंने ये लिया, इस तरीके से करके तब आपका निकल के आएगा वो जिसको आप रिसर्च गैप कहते हैं, जहाँ से आपसे कहा जाता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करने के बाद रिसर्च गैप फाइंड कीजिए और नीड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर करेंट रिसर्च वर्क बताइए। आपको बताना होगा कि देखिए इतने रिसर्चर्स ने काम किया है, इतने प्रकार के वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इतना इतना कुछ पाया है, लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम जो हम करेंट रिसर्च करने जा रहे हैं उसको इस एंगल से अभी नहीं देखा गया है, या इस एंगल से बहुत कम देखा गया है, या इसमें अभी और जानने की ज़रूरत है, तब आपका एक रिसर्च गैप आपको मिलेगा। तो लिटरेचर रिव्यूज़, थ्योरेटिकल आर्टिकल्स हो सकते हैं एंड अदर रेलिवेंट लिटरेचर टू इन्फॉर्म रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस एज वेल एज टू फाइंड रिसर्च गैप्स, है ना। इसी से आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, इसी से आपके रिसर्च गैप मिलेंगे एंड कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द स्टडी, और आपकी जो अनुसंधान कार्य है, जो कार्य है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर से ही मिलेगा, ठीक है। फिर ये एक हार्ट की किताब है, उन्होंने बहुत लिटरेचर रिव्यू पे, सी हार्ट शायद है ना नाम, मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने पूरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे किताब ही है, डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऐसे करके, उन्होंने बहुत सारे हमको पर्पसेस बताए हैं रिव्यू के, उसमें से देखिए कितने सारे हैं, और आप इसी से चेक कर सकते हैं कि आपने कितना किया है। हम क्या करते हैं, ओनली समराइज, पर ये कह रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग, विभेद कीजिए व्हाट हैज़ बीन डन फ्रॉम व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या हो चुका है और क्या करने की आवश्यकता है। डिस्कवरिंग, खोजिए इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स रिलेवेंट टू द टॉपिक, जो आप काम करने जा रहे हैं उस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड, मतलब उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो चर हैं उनको खोजिए। सिंथेसाइजिंग, संश्लेषण कीजिए एंड गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव, और एक नया परिदृश्य उत्पन्न कीजिए। फिर आइडेंटिफाइंग, मतलब निकालिए, क्या निकालिए, रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, जो विचार हैं और जो अभ्यास है उनके बीच के सहसंबंध को निकालिए। स्टैब्लिशिंग, स्थापित कीजिए क्या, द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक और प्रॉब्लम, आपको बताना होगा कि हाँ हम ये जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका कंटेक्स्ट, वो कंटेक्चुअल है, वो रेलिवेंट है, उसकी ज़रूरत है आज के समय में, तभी तो आपकी रिसर्च वर्क की सिग्निफिकेंस होगी। और फिर रैशनलाइजिंग, तर्क दीजिए आपकी प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस के लिए। इन्हेंसिंग एंड एक्वायरिंग द सब्जेक्ट वोकैब, जो आप जिस भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी वोकैब को इन्हेंस कीजिए। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, आपका जो विषय है उसकी संरचना को समझिए। रिलेटिंग आइडियाज़ एंड थियरी टू एप्लीकेशंस, जो विचार हैं और जो सिद्धांत हैं वो एप्लीकेशन से किस प्रकार रिलेटेड हैं, ये भी आपको लिटरेचर रिव्यू बताएगा। और आइडेंटिफाइंग मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स दैट हैव बीन यूज्ड, कई बार ये होता है कि हम कोई रिसर्च पर करने जा रहे हैं और जो मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमको देखें कि प्रीवियस जो रिसर्चेज हुई हैं, अगर आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने इस तरीके के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए यही मेथडोलॉजी यूज़ की है, देन यू कैन से कि हाँ आपने सही मतलब प्रविधि का, सही मेथडोलॉजी का चयन किया है। तो इतने काम हैं रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर के, तो आप जब आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर का तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप इनमें से कितने पर्पज़ सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सही काम हो रहा है कि नहीं। फिर ये एक कहीं से लिया है मैंने कि बहुत सारे आर्टिकल्स में क्या पर्पज़ बताए गए हैं, जैसे कि वेबस्टर और वॉटसन ने 2002 में बताया कि लिटरेचर रिव्यू के पर्पज़ है ना, टू प्रोवाइड ए फर्म फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान को एडवांस करने के लिए ये एक फर्म फाउंडेशन प्रदान करता है। लिवाई एंड एलिस ने बताया कि हम वैलिड रिसर्च मेथोडोलॉजीज इसके से यूज़ इसका जान सकते हैं। फिर इस तरह से टू बिल्ड ए फाउंडेशन फॉर थियरी डेवलपमेंट, सिद्धांत के विकास के लिए फाउंडेशन यहाँ से मिलता है, पर्टिकुलर रिसर्च स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इस तरह से करके करेंट बॉडी ऑफ नॉलेज को आप समझ सकते हैं। टू समराइज एकेडमिक वर्क है ना, फिर आप टू क्रिएट ए फर्म फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग नॉलेज, ये तो पहले भी हो गया कहीं। फिर उसके बाद टू एडवांस नॉलेज, फिर सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर टू थियोराइजिंग फ्रॉम द लिटरेचर, मतलब इतने सारे एजुकेशनिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये बताया है कि लिटरेचर रिव्यू का प्राइमरी पर्पज़ क्या होना चाहिए, इसकी एक ये कम मतलब कंपेरेटिव क्लासिफिकेशन है।
फिर कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, अभी तक तो था कि रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर है क्या, और अब आप करेंगे कैसे, एक्चुअल क्या करना है हमको। तो सबसे पहले आप जानिए, आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को आप चयन करेंगे, फिर आप स्कोप और बाउंड्रीज लिटरेचर रिव्यू की तय करेंगे कि इससे इतर नहीं देखना है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी टॉपिक आपने लिया तो उसके सारे वेरिएबल्स स्टडी कर लेंगे या आप पूरे विश्व में वो उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। आपको कहीं डीलिमिट करना होगा ना कि हम प्रयागराज की समस्या का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रयागराज में ये जो आपकी गर्ल्स हैं या जो आपके हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं, यानी आपको स्कोप और बाउंड्री उसकी डिफाइन करनी होगी, तभी तो आप कर पाएंगे ना रिव्यू। कहीं डीलिमिट करना पड़ता है अपने आप को। फिर डेवलप ए सर्च स्ट्रैटेजी। अब हमको क्या करना है, खोजें कैसे, कैसे पता चले कि हमारे जो काम करने जा रहे हैं उस पर कितना काम हो गया है। तो आप बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस एंड सोर्सेज को आप सर्च करिए। पहले तो था एकमात्र हम लोगों के पास जो ऑप्शन होता था वो या तो कुछ जो हार्ड कॉपी हार्ड बाउंड जर्नल्स होते थे आप उसको पढ़ लीजिए, या हम लोग DAI पढ़ते थे, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, ये हमारी लाइब्रेरी में हमको मिलता था, जिसमें कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो रिसर्चेज हुई हैं उनका डिसर्टेशन का एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलता था। तो उसमें पता चल जाता था कि इन्होंने इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करके ये रिसर्च की है। अब तो बहुत कुछ है आपके पास, JSTOR से देख लीजिए, लिटरेचर रिसोर्स सेंटर है, वेब ऑफ साइंस है, गूगल स्कॉलर है, तो आपको पता चल जाएगा, डेटाबेस उसका मिल जाएगा। फिर सेटिंग स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आप उसमें लेकर चलेंगे, क्या आपको छोड़ना है हटाना है। फिर यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स, यानी कि जो कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए आप हायर एजुकेशन स्टडी करने जा रहे हैं या आप एकेडमिक एंग्जाइटी स्टडी करने जा रहे हैं या एजुकेशनल एकेडमिक मोटिवेशन, क्या है आपका कीवर्ड, क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ढूंढिए। बूलियन ऑपरेटर से जल्दी इजीली आप ढूंढ सकते हैं, स्पेसिफिक ढूंढ सकते हैं, ब्रॉड ढूंढ सकते हैं, और नाम आपने सुना ही होगा कि बूलियन ऑपरेटर एंड और नॉट के इस्तेमाल से ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है। फिर बहुत जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैं, आप इतिहास के छात्र हैं तो आपको सब कुछ ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको रेयर मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, रेयर बुक्स के लिए, आर्काइव के लिए आपको लाइब्रेरी ही जाना होगा। और फिर आपने ढूंढ लिया, बहुत सारा मैटर आपके पास आ गया, अब आप उसको इवेलुएट कीजिए, एसेस कीजिए उसकी क्वालिटी, उसके गुण का आकलन कीजिए, उसकी रेलेवेंस देखिए कितना वो उपयुक्त है आपके लिए, रिलायबिलिटी देखिए कि वो विश्वसनीय है कि नहीं, और उसके बाद क्या करेंगे, सिंथेसाइज करिए, जो जितना मैटर आपके पास निकल गया है उसका संश्लेषण कीजिए, कौन से एक हेडिंग के तहत आ रहे हैं, किसको आप अलग हेडिंग में डाल सकते हैं, कैसे पैटर्न निकल के आएंगे, थीम्स क्या होंगी, और फिर आप कंक्लूजन या रिकमेंडेशन पे पहुंचेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू को लिखेंगे। अभी तक तो आप जोड़ रहे थे, बटोर रहे थे, ढूंढ रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, सिंथेसाइज कर रहे थे, अब एक्चुअली आप उसको लिखना शुरू करेंगे, और फिर बाद में आपका ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि इतनी प्रकार की आपको रिसर्चेज इस टॉपिक में मिली, इंटरनेशनल मिली, नेशनल मिली, इस एंगल से मिली, उस एंगल से मिली, और तब हमको ये गैप समझ में आया है और ये हम रिकमेंड करते हैं कि हमारी जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, वो ज़रूरत है, वो वक्त की मांग है, कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर। लास्ट में आजकल हमेशा से होना चाहिए था पर आजकल बहुत ये प्रचलन में है कि आपको प्लेजरिज्म नहीं करना है, तो हम प्लेजरिज्म को अवॉइड करेंगे और जो भी हमने सोर्सेज जहाँ से पाए हैं उनको सही उनका साइटेशन करेंगे ताकि एकेडमिक इंटीग्रिटी बनी रहे और हम एकेडमिक मिसकंडक्ट के एलिगेशंस को अवॉइड कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बहुत UGC सख्त है इस पर, आपको बहुत मतलब 60% से ज़्यादा आई थिंक अगर आपके टेक्स्ट में प्लेजरिज्म पाया जाता है तो आपको दोबारा से अपनी PhD करनी पड़ेगी, या कई कई मामलों में है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा। यही बात फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है कि वो उनको इतने अलाउंस मना किए जाएंगे, फिर और मना किए जाएंगे, फिर उनका कुछ इस तरह से ना बहुत सारा लेवल बढ़ने से उसकी सज़ा आप कह सकते हैं कि बढ़ती जाएगी, अभी भूल रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा एक और लिटरेचर रिव्यू का देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी मिला, ये एक नई चीज़ मिली मुझे ढूंढने से, ये मुझे पहले नहीं पता था कि लिटरेचर रिव्यू की भी टैक्सोनॉमी बना दी गई है कि जो लोएस्ट लेवल है लिटरेचर रिव्यू का वो समराइजिंग है जो कि हम करते हैं, और सिंथेसाइजिंग हम नहीं करते, यानी कि हम हायर ऑब्जेक्टिव्स तक कभी पहुंचते ही नहीं है, और वो भी कॉग्निटिव और इफेक्टिव दोनों में दिया है। तो नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करना, जानना,
ये समराइजेशन है, यूजिंग अप्लाइंग में हम एनालाइज पे पहुँचेंगे, एसेसिंग सपोर्टिंग रिफ्यूटिंग जस्टिफाइंग में इवेलुएट कर सकेंगे, और जब अरेंजिंग कंपेरिजिंग कंट्रास्टिंग ट्रांसलेटिंग ये सब कर पाएंगे, इसका मतलब कि तब हम उसको सिंथेसाइज कर पाएंगे या हम हाईएस्ट लेवल पर पहुँचेंगे। उसी तरह से इफेक्टिव प्रोसेस में भी रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग करेक्टराइजिंग ऑर्गेनाइजिंग, जानते हैं आप कि ये चरण होते हैं। तो इस तरीके से ये लिटरेचर रिव्यू का टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चित्रण है। और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या हमको नहीं करना है, फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जब हम नंबर की हमको 100 रिसर्चेज 100 लिटरेचर रिव्यू करना है, इस पर मत जाइए, अच्छी रिसर्चेज आपको मिल जाएं तो वो बेहतर हैं, क्वालिटी हमको मेंटेन करनी है। अगर हम स्कोप और बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत होगी कि हम ढूंढते ही चले जा रहे हैं, अनंत है, अनंत मिलता जाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं आपको स्कोप और बाउंड्रीज डिफाइन करना ज़रूरी है। फेलिंग टू इंक्लूड रेलेवेंट सोर्सेज, जब हम रेलेवेंट सोर्सेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड करने में फेल होते हैं, तो ये एक मिस्टेक है जो हमको छोड़नी है होगी, हमको इससे बचना होगा। रिलाइंग सोलली ऑन सेकेंडरी सोर्सेज, जब हम प्राइमरी सोर्सेज पर ध्यान नहीं देते और हमारा सारा मान लीजिए रिव्यू जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज से हुआ है, तो वो भी ठीक नहीं है। और ओवर लुकिंग बायस एंड लिमिटेशंस इन द लिटरेचर, हमको ये भी नहीं करना है, यानी बायस और लिमिटेशन अगर लिटरेचर में आ रहा है तो उसको ओवरलुक मत कीजिए। अच्छा, एटलस टीआई, देखिए एटलस टीआई जो है वो एक क्वालिटेटिव डेटा की एनालिसिस का टूल है, लेकिन ये लिटरेचर रिव्यू में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारा मैटर आपके पास है, उसमें एटलस टीआई के ऊपर उसको अपलोड कर दीजिए, तो फिर वो उसकी थीम्स निकाल के आपको दे देगा। तो ये एक नया चलन है, जिनको आता है उनके लिए ईजी है, बट यही है कि फिर इसमें आपका पर्सनल टच कोई नहीं आएगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन आप मतलब आप इससे भी मदद ले लीजिए, खुद भी कर लीजिए, तो दोनों को मिला के बेहतर हो सकता है। एटलस टीआई इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च टूल दैट कैन बी यूज फॉर कोडिंग, है ना, कोड निकल के आ जाएंगे उसमें, एंड एनालाइजिंग ट्रांसक्रिप्ट्स एंड फील्ड नोट्स, बिल्डिंग लिटरेचर रिव्यूज, क्रिएटिंग नेटवर्क डायग्राम्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इट अलाउज फॉर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कितना कर पाएंगे ना, मैनुअली हम थक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कितना कागज़ फैलाएंगे, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन आसान कर देगा। इट हेल्प्स विद प्रिपेयरिंग एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लिटरेचर, इसकी सहायता से आप तैयार कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं अपने साहित्य का। इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉल एंड एनालाइज लिटरेचर थीमेटिकली और टॉपिकली, इट कीप्स एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इन वन प्लेस। सिग्निफिकेंस क्या है लिटरेचर रिव्यू की, इट प्रोवाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, है ना, जो भी लिटरेचर एग्जिस्टिंग हमारे डिसिप्लिन में है उसके इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको बताता है कि क्या लेटेस्ट चल रहा है हमारे डिसिप्लिन में, हमको कंट्राडिक्शंस पता चलते हैं, रिसर्च गैप मिलता है, करेंट रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं उसका क्या स्थान है वो पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि कितना रेलेवेंट और कोहेरेंट है हमारा रिसर्च, है ना, और हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने रिसर्च को, रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेट कर सकते हैं, और इस तरीके की तमाम बातें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रूशियल है और कितना आपको इसमें लगने की ज़रूरत है, और जब तक आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सही नहीं होगा आप रिसर्च अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैप यहीं से मिलना है, क्वेश्चन यहीं से पता चलेंगे, वेरिएबल्स यहीं से आपको हेल्प मिलेगी, मेथोडोलॉजी का जस्टिफिकेशन यहीं से मिलेगा, बहुत यहाँ से मदद होनी है। और फिर आपको प्लेजरिज्म भी नहीं करना है, आपको सोर्सेज का साइटेशन भी प्रॉपरली करना है, आपको सिर्फ समराइजेशन भी नहीं करना है, तो ये चैप्टर ये काम आपसे मेहनत मांगता है। ओके, सो इन दिस वे आपको थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, यानी कि सबसे पहले डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फिर कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू, एंड देन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस करके एक शुरुआती जैसे रिसर्च करने में ये चीज़ें हमको मदद करती हैं। ओके, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.